तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल SP जीवन मंत्रा में। दोस्तों यदि आप अभी नए आए हैं तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारी प्यारी सी फैमिली के मेंबर, क्योंकि दोस्तों हम आपको यहां पर ऐसे ऐसे वीडियो देते हैं जो आपके सपने को सच में साकार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अभी नए आए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो आपके सपने को 100% गारंटी के साथ पूरा करवा देगा। दोस्तों लेकिन क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वो आप कर सकते हैं, हाँ या ना? बोलिए, क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वो आप करने के लिए तैयार हैं? बोलिए, दिल से आवाज आई यस और नो। अगर यस आई तो ठीक है, उसके लिए आपको पागल बनना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में आग लगानी पड़ेगी। दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये आप क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। जी हाँ, पागल ही बनना है, पागलों जैसी ही बातें करनी है, तभी आप अपने सपने को सक्सेस कर सकते हो। या फिर बहाने बनाते रहना दोस्तों। और आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ, जिस व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ ना, अगर उस व्यक्ति की कहानी सुनकर आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में को अपने सपनों को पाने के लिए आग नहीं लगी, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दुनिया का कोई भी इंसान आपको सक्सेस नहीं बना सकता। चाहे आप बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो देख लो, चाहे आप जिस व्यक्ति की स्टोरी सुन लो, चाहे जिस व्यक्ति के बारे में जान लो, चाहे जिस व्यक्ति से मिल लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर इस व्यक्ति की कहानी सुनकर आपको आग नहीं लगी तो कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। और हां, अगर इसकी कहानी सुनकर आपको आग लगती है तो यह भी मैं गारंटी लेता हूं कि आपको अपने सपने को साकार करने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया इधर से उधर हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना, विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि यदि कोई भी इंडिविजुअल सफल हुआ है तो उसके पीछे उसका पागलपन सबसे बड़ा कारण रहा है। दोस्तों उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो उसकी आग थी। कुछ भी हो जाए लेकिन हमें करना है। दोस्तों आज मैं जो कहानी बताने चल रहा हूं सुनिए उसे ध्यान से और फिर आप डिसाइड करिएगा। कोई बहाना, कोई कुछ आप बनाना छोड़ देंगे। दोस्तों मुश्किलें, कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं, लेकिन इतनी बड़ी कठिनाई सोच भी नहीं सकते हो आप दोस्तों कि कोई ऐसा कर सकता है। बताता हूं, यह कहानी है स्टीफन हॉकिंग। दोस्तों जब आप 21 साल की उम्र में जब आप इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं और कॉलेज की पढ़ाइयां कर रहे होते हैं, कॉलेज लाइफ को इंजॉय कर रहे होते हैं, उस उम्र में इस व्यक्ति को मोटो न्यूरॉन डिसीज नाम की एक ऐसी बीमारी हो गई जो धीरे धीरे इंसान के शरीर को ख़त्म कर दे जाती है, धीरे धीरे इंसान के हर पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उस बीमारी में इनके एक के बाद एक धीरे धीरे सभी अंग काम करना बंद कर दिए। और दोस्तों डॉक्टर ने कहा कि मुश्किल से ये इंसान 2 साल तक जिंदा रह सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 साल तक जिंदा रहेगा, इसके बाद इसकी डेथ निश्चित है। दोस्तों लेकिन क्या आपको यकीन होगा, क्या आपको यकीन होगा, और हुआ भी ऐसा ही, एक के बाद एक उनके सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। अब वो एक व्हील चेयर पर बैठ कर रह गए, एक उनकी सारी जिंदगी एक व्हील चेयर पर बीतने लगी। दोस्तों लेकिन इस बंदे के अंदर एक चीज बाकी था, सारी चीजें उनकी खत्म हो चुकी थी, सारे अंग ने इनके काम करना बंद कर दिया, लेकिन इनका माइंड और इनका दिमाग जो था वो अभी भी चल रहा था। उससे इन्होंने क्या किया, और दोस्तों क्या आपको पता है कि वो अपनी मुसीबतों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहाँ पहुँच गए? जी हाँ दोस्तों, मुसीबतों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो दुनिया के द मोस्ट वन ऑफ द पॉपुलर साइंटिस्ट बन गए। जी हाँ, मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गए। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूट दिया दोस्तों, और उन्होंने एक किताब भी लिखी। दोस्तों ऐसे ही महान योद्धा इस धरती पर ना जाने कितने पड़े हैं, लेकिन अगर आपके भी अंदर आग है तो आप भी ऐसा बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, बाकी कुछ भी नहीं था, बाकी इन्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन
दोस्तों, अगर आपके अंगूठे का नाखून भी निकल जाता है तो आप कई सारे बहाने बनाते हैं, अरे नाखून निकला है, मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं, ये वो दुनिया की बातें। लेकिन दोस्तों, इन्होंने बातें नहीं बनाई, इन्होंने बताया दुनिया को, और आज दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट साइंटिस्ट हैं। कैसे? अपनी हिम्मत के दम पर। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना अपनों का ख्याल रखिएगा और अपने सपनों को भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।